चैप्टर फर्स्ट ऊष्मा एवं ताप की अभ्यास। पहला, सही विकल्प चुनकर लिखें। पहला, ठोस में रेखीय क्षेत्री व आयतन प्रसार का अनुपात होता है। उत्तर 1:2:3। दूसरा, वस्तु ए व वस्तु बी में से वस्तु ए की विशिष्ट ऊष्मा वस्तु बी की तुलना में कम है तो उत्तर वस्तु ए जल्द गर्म होगी। तीसरा, नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु सबसे अच्छा ऊष्मा चालक? उत्तर लोहा। चौथा, नीचे दी गई कौन सी वस्तुओं में ऊष्मा का संचार संवहन द्वारा नहीं हो सकता? निर्वात। दूसरा अभ्यास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि खाली स्थान है। उत्तर है ऊर्जा। दूसरा, खाली स्थान के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। उत्तर तापांतर। तीसरा, चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल खाली स्थान में संभव है। उत्तर है ठोस। चौथा, विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण हेतु खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तर माध्यम। पांचवा, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए ली गई या दी गई ऊष्मा के कारण तापमान में बदलाव खाली स्थान होता है नहीं होता है। तीसरा प्रश्न, जब दो वस्तु को जिनका तापमान एक दूसरे से अलग हो संपर्क में लाया जाता है तब उन दोनों का तापमान समान क्यों हो जाता है? उत्तर, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों वस्तुओं के मध्य एक तरल अदृश्य पदार्थ का आदान प्रदान होता है, इस कारण दोनों का तापमान समान हो जाता है। चौथा प्रश्न है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? उत्तर, भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से फूट क्यों जाता है? उत्तर, गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने पर उसके भीतर की हवा गर्म होकर फैलने लगती है जिससे उसके आयतन में वृद्धि होती है, इस कारण गुब्बारा फूट जाता है। गैस का आयतन प्रसार गुणांक इज इक्वल टू आयतन में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक इनटू ताप में वृद्धि, अर्थात गामा पी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन वी डेल टी। प्रश्न 6, विशिष्ट ऊष्मा की धारिता क्या है? उत्तर, सभी पदार्थों के समान मात्रा का तापमान समान मात्रा में बढ़ाने के लिए ऊष्मा की विभिन्न मात्राएं लगती है, इसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, ऊष्मा के संचरण के प्रकारों के बारे में लिखिए। तो ऊष्मा संचरण, तापमान के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक
हो रहे स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा संचरण तीन प्रकार की होती है। पहला चालन, चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचरित हो जाती है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण होता है। चालन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय चालकता कहते हैं। दूसरा संवहन, फ्लास्क में एक द्रव लेकर गर्म करने पर पेंदी का द्रव शीघ्र गर्म हो जाता है और हल्का होकर ऊपर की ओर उड़ता है। इस स्थान ऊपर का भारी द्रव ले लेता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सारे द्रव का तापमान समान नहीं हो जाता। इस प्रकार के संवहन धाराएं चलने लगती है। गैसों व द्रव में ऊष्मा का संचरण इसी प्रकार होता है। तीसरा विकिरण, प्रकाश की तरह ऊष्मा का भी संचरण निर्वात में हो सकता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में संचरित होती है। यदि विकिरण द्वारा ऊष्मा किसी तल पर पड़ती है और तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तब वह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक कहलाता है। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। प्रश्न आठ, ऊष्मा के प्रभावों के हमारे दैनिक जीवन में जुड़े कुछ उदाहरण हमारे बताइए। हम दैनिक जीवन में ऊष्मीय ऊर्जा के संचरण को देख नहीं सकते किंतु ऊष्मा के प्रभावों को अवश्य अनुभव कर सकते हैं। ऊष्मा देने पर वस्तु का ताप बढ़ता है। जितने अधिक ऊष्मा वस्तु प्राप्त करेगा उतना ही उसका ताप बढ़ता जाएगा और प्रसार होगा। पहला, तापमान में वृद्धि। किसी वस्तु को गर्म करने पर वह ऊष्मा को अवशोषित करती है तथा उसका ताप बढ़ता है। ठंडे होने की प्रक्रिया में वस्तु में ऊष्मा बाहर निकलती है तथा ताप घटती है। दूसरा, ऊष्मीय प्रसार। उबलते पानी को कांच के बर्तन में डालने पर कांच चटक सकता है क्योंकि कांच के अंदर का भाग ऊष्मा के कारण फैल जाता है जबकि बाहर का नहीं। दूसरा एग्जाम्पल है, बिजली व टेलीफोन की तारों को ढीला क्यों बांधा जाता है? क्योंकि ऊष्मीय प्रसार के कारण ढीला बांधा जाता है। तीसरा, गैसों में ऊष्मीय प्रसार। किसी गुब्बारे को ऊष्मा देने पर उसके भीतर की हवा गर्म हो कर फैलने लगता है।